आ गई भाई हमारी पिकअप गाड़ी सिटी प्रयागराज। सोते हैं। अरे लाइट बंद हो गई। साथियों सुल्तानपुर में आज हमारा आखिरी दिन है और आज हम जाएंगे पुणे। ये देखो सिद्धि को देखो यहाँ पर क्या कर रही है। क्या कर रही हो? पैरों आता है एक छोटे बच्चा एक बुलबुल। चलो हम नमकीन देते हैं। नमकीन देते हैं क्या? इसको भी पता है जितना नमकीन डालेंगे ना अभी सब खाते रहती हैं। तो अभी बज रहा सुबह की 10:30 और बहुत गर्मी है। देख रहे धूप एकदम तेज एकदम। खाना भी लग गया फटाफट खा रहे थे। चटनी दाल परवल की सब्जी रोटी खाओगी आप भी? आप भी खाती हो? सिद्धि नहीं खाती पाड़गढ़ की सब्जी। बस अभी हम लोग को निकलना है सुल्तानपुर स्टेशन के लिए। बस गया है अभी 1:40 3 बजे की ट्रेन है। यहाँ से करीब करीब आधा घंटा लगेगा हम लोग को सुल्तानपुर पहुँचने में। एक कदम कितना सुंदर लग रहा है मुझे ना। और क्या है सिद्धि का बैग देख लो भाई। ये नानी ने दिया इसको। ये बनारस का है। बुक कौन सा दिखा? सिद्धि का एक्साइटमेंट लेवल नेक्स्ट लेवल पे है। से आगे आगे जाके आ गई भाई हमारी पिकअप गाड़ी। चलो तुम भी चलो। चलो चलो क्या दे रही है वाला पेड़ है? कौन सी है ये? ये अजूबा का है। अजूबा इसके पत्ती से वो निकलता है। राधे कृष्णा सिद्धि। अरे कृष्णा हमारे छोटे मास्टर है ये। तू कैसे दिख रहे हो? कैसे दिख रहे हो? देखो छोटे मास्टर इनका नाम है सरस जी। राधे कृष्णा। चलो चलो बैठते हैं हम आगे बैठते। पहुंच गए हम सब सुल्तानपुर स्टेशन। बहुत गर्मी है। 2:42 हो रहा है। ये हमारी फाइनल कैब। साहब क्या खचा का भीड़ है। चलो चलो यहाँ इधर से। 40 मिनट लेट चल रही बताओ। नाना के साथ फोटो जा रही हो? ओके चलो ना अभी काम करना है। चलिए घर। हाँ चलिए घर पे जाओ। पैर पड़ो। चलो पैर पड़ो। चलिए हाँ हाँ हारू एकदम पिंक पिंक पहन ली है। एकदम सबसे अलग नजर आ रही हो यहाँ पर तुम। मैं बहुत ब्राइट लग रही हूँ। हाँ हाँ अरे भाई स्टेशन पे बहुत भीड़ है। देख रहे एकदम चपक के भीड़ है एकदम। सिद्धि परेशान हो रही है काफ़ी देर से। ट्रेन कहाँ गई? ट्रेन क्यों कहाँ पहुँची? एक्चुअली ये ट्रेन ना पूरे 1 घंटा लेट है। ये अयोध्या कैंट से बनकर सुल्तानपुर आती है। सुल्तानपुर से प्रतापगढ़ प्रयागराज फिर ऐसे होते हुए अपना सतना कटनी होते हुए फिर आपका और जबलपुर। हाँ जबलपुर फिर ऐसे ऐसे होते होते पहुँचेगी नासिक। नासिक से फिर मुंबई तक जाती है। इतना ऐसा लंबा सफ़र करेगी कंप्लीट। और इसलिए इतने यात्रीगण सब बैठे हैं उसी के लिए। इसमें अधिकतर पैसेंजर सब यूपी से महाराष्ट्र पहुँचने वाले हैं। ये है इनकी जन्मभूमि और वो है महाराष्ट्र इनकी कर्म भूमि। तो राहत लग रही है लेकिन बाहर बहुत गर्मी है जबरदस्त एकदम।
एकदम तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है, मतलब ज़्यादा नहीं थोड़ी सी खराब हुई, लेकिन चलो सफ़र करते हैं। और देखो कितना मस्त दिख रहा है क्राउड में, अब तिरंगा। करीब करीब बज रहा है 6, हम लोग पहुँचने वाले प्रयागराज। ट्रेन डेढ़ घंटा लेट थी, ट्रेन कवर कर लिया, देखते हैं प्रयागराज 6:15 तक पहुँचाती है कि नहीं, देखते हैं। प्रयागराज उतरूँगा, वहाँ के स्टेशन का भी आपको टूर भी दूँगा। और यार तबीयत थोड़ी ख़राब हो चुकी है, आवाज़ भी कम हो रही है, और जैसे ही मैं पहुँचूँगा पुणे उसके बाद मेरा एक्टिविटी भी है, बताओ। ऑफिस से फ़ोन भी आ रहा है मुझे कि आप अवेलेबल हो गया काम के लिए, ऐसे तो आ गए। यार कोई नहीं, सफ़र का मज़ा लेते हैं। सिद्धि आ गई है, बहुत होगा, लूडो खेल रही है, लूडो खेल रही हो? अरे वाह, खेलो खेलो लूडो, खेलो, फ्रेंड बना लिए अपना। हाँ हाँ, क्या ये अब तुम्हारा फोटो खींच रहा हूँ मैं, दांत दिखाओ, मटर जाएगा क्या? लोग ऊपर वाली बस पे आ रहे हैं, बहुत तेज ठंडा लग रहा है ना सिद्धि, ठंडा लग रहा है यहाँ पर, फुल एकदम ठंडा आ रहा है, बहुत ठंडा, बहुत ठंडा ना। मैं तो ब्लैंकेट उड़ के लेटा हूँ भाई, मेरा सर दर्द कर रहा है, बॉडी भी पेन कर रहा है, क्या करूँ, पीछे देखो इधर लैपटॉप का बैग रखा है सर। भेलपुरी खाना, भेलपुरी। प्रयागराज आ गया भाई, प्रयागराज जैसन आध्यात्मिक सिटी प्रयागराज। शाम हो चुकी है, 6:15 का टाइम था, खैर 6:35 को पहुंची है, खैर सही समय में पहुंची है। भाई साहब इसमें तो हम सफर कोच भी है, B4। चलो भाई ट्रेन हॉर्न दे रही है, चलते रहो अंदर। 9 प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे हमारी गाड़ी खड़ी है, साकेत एक्सप्रेस। इट्स टाइम टू डिनर नाउ। और प्रयागराज से ट्रेन चले कभी कभी 1 घंटा हो गया, और भूख भी तड़के लग गई है, इसे खाने के बाद सोएंगे हम लोग। आज आलू के पिटारे से देखो क्या निकला है, क्या क्या निकला सिद्धि, मम्मी ने क्या क्या बनाया, भुजिया का नमकीन, जो मेन चीज़ है वो पूड़ी है, हल्का है। इस बार ना यार दोनों ही अपर बर्थ मिल गई है, प्रॉब्लम हो रहा है, अपर बर्थ सर नीचे करना पड़ता है। ट्रेन की जर्नी ना यार बहुत ही कम करो, बहुत ही मतलब अच्छी तो होती है, लेकिन बहुत मैनेज करना पड़ता है, बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है। थर्ड एसी है फिर भी बहुत मैनेज करना पड़ता है ना। चलो खाना खाते पहले, हाँ हाँ जुड़ो खाना खाओ, चलो जुड़ो। हाँ राधे कृष्ण, भाई ये तो एकदम स्लीपर हो गया है, स्लीपर देख रहे हो, पानी का बोतल, दो पानी का बोतल, एक लिए पानी बोतल। कितना बोतल है अभी? 2 बोतल है, 3 बोतल है, 2 ही बोतल ये है ना, गरम बना हुआ ना, एकदम बना है, गरम बना हुआ, गरम पानी की गर्मी में जरूरत है, बताओ। इसीलिए हम लोग ने अंदर रखेगी ताकि गर्म रहे। और इधर 2-3 लोग बैठे, उधर चल रहा है पार्टी पार्टी चल रहा है, फिर इसको ऐसे रख दिया जाए, फिर इसको ऐसे रख देते हैं, फिर सेट कर दो। इधर देखो गेहूं का चावल का बोरी रखा हुआ है, वो अभी तो रास्ते में था, हट गया वो। चलो भैया भाई ठंड लग रहा है, बहुत ठंड लग रहा है, अब सोते हैं, अब स्लो करके रखना है, इतना करके रखते हैं, ओढ़ना पड़ता है, पैसा दिया है लोगों ने इसीलिए। अब भाई आराम करते हैं, बहुत थक गए भी हैं, बदन भी दर्द कर रहा है। अभी आगे की यात्रा आपको दिखाते हैं, अभी ट्रेन कितनी लेट चली हुई पता भी नहीं चल रहा है, देखा भी नहीं पिछले 1.5 घंटे से खाने पीने के बाद से। अब बोलो GoPro की बहन, सबसे ज़्यादा नींद आ रहा है GoPro, सबसे ज़्यादा नींद इसी को आता है GoPro। मानिकपुर जंक्शन आ गया भाई, मानिकपुर 2:01:04 रात हो गई, एकदम खाना खाने के बाद का माहौल, एकदम सन्नाटा, गर्मी ज़बरदस्त है। मानिकपुर जंक्शन
इस बार पारू शायद पहली बार यहाँ अपर पर तो सोने जा रही होगी। हाँ, नीचे ही नहीं तो सोते। नहीं तो नीचे ही मिलता था हमें। अलग ही मस्ती चल रहा है। अरे वो ठंडा लगे तो खांसी आएगी। अच्छा नहीं लगा, सॉफ्ट लगाए हैं। सॉफ्ट नहीं क्या, तुम्हारे लिए सॉफ्ट लेके आओगे मैं? सॉफ्ट नहीं मैं लूंगा। ये उससे बनाया, घोड़े से बनाया। घोड़े के ऊन से बनाया, घोड़े के ऊन से बनाई है। घोड़े के ऊन से किससे बनाया है? घोड़े के पूंछ से बनाया है, पूंछ से। घोड़े को ठंडा नहीं लगेगा। काल ही चल रहा है। सॉफ्ट फ्लॉप ब्लैंकेट चाहिए तो सॉफ्ट ब्लैंकेट चाहिए। वो हंस रही थी, वो हंस रही है। सुनो, अपना ब्लैंकेट तुम घर से क्यों नहीं लेके आई? सॉफ्ट ब्लैंकेट, फ्लॉप ब्लैंकेट कल अगली बार लेके आना अपना, उसी बैग में, ग्रीन बैग में रख लेना, ठीक है? इस बार यार दोनों अपर बर्थ मिल गए ना, बहुत तकलीफ हो रहा है। हाँ, क्या तकलीफ हो रहा है? दोनों अपर बर्थ मिल गया है, इधर का भी अपर बर्थ मिला है, इधर का भी अपर बर्थ मिला है, तो सोते हैं। अरे लाइट बंद हो गई। आ गई ऑफिस आ गई। खैर सोते हैं, मिलते हैं कल सुबह नए ब्लॉग के साथ में। तब तक लिए हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।